दूध जलेबी थी। दूध कितने का है? दूध 30 रुपए का है, जलेबी 50 रुपए का है। 50 रुपए 250 ग्राम। अब 250 ग्राम तो ना खाई जाएगी जी, कम ही देनी पड़ेगी। गरम से निकाल दो, 20 मिनट के बाद। अगर 20 मिनट में तो बह जाएंगे हम। चलो दूध ही पिला दो फिर आप। अंकल जी मूड में नहीं है बिल्कुल। तो जी गुड मॉर्निंग यार, सुबह हो गई है, अगले दिन की शुरुआत हो गई है और अब निकल पड़े हैं गंगा स्नान के लिए। और टाइम हो गया सुबह के 5:30, तो जल्दी से निकलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि आज तक हरिद्वार आपने शायद देखा होगा भीड़ भाड़ के साथ, हसल बसल के साथ। आज आपको दिखाते हैं शांत हरिद्वार, वो भी सुबह सुबह, और एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट जो बड़ा फेमस है यहाँ पे, वो भी ट्राई करेंगे। पर सुबह सुबह जनता ने उठ के कहर मचा रखा है। पहुंच तो गए हैं, अब ये नहीं पता किस साइड से पहुंचे हैं, पर मुझे लग रहा है वैसे तो बेसिकली अगर खुले में नाना है तो ये भी हकी पौड़ी ही है। भाई साहब क्या कर रहे हो? अरे 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 अरे, तक विलक लगा के भाई साहब तैयार हो गया एकदम बटाक। तो जी फाइनली अब घूमनी है यार, जगह कहाँ पे नहाया जाए, स्नान करा जाए, गंगा जी में पाप छोड़ के जाया जाए, क्योंकि बड़ा जबरदस्त रश है। तो पहले तो जगह ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं। अरे और ये फेमस क्लॉक टावर जहाँ पे फोटो खिंचवाएंगे, बढ़िया बढ़िया एकदम डिंगचैक स्टाइल में। लोगों के एंजॉय करने के अपने अपने तरीके हैं जी। भाई साहब फोटो खिंचा रहे हैं पूरी चैन वैन डाल के। और यार मतलब ये वो व्यू है जो आपको बताया नहीं जा सकता, इसके लिए आपको आना ही पड़ेगा, खुद विजिट करना ही पड़ेगा। तो जी फाइनली जगह मिल गई है यार, और 2-4 डुबकियाँ लगा लिया, पानी है बड़ा ठंडा और दूर हो गई है और गैंग लगी है। और सबसे बड़ा डर है यार यहाँ पे ना इनका, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आज तक कभी हुआ नहीं है, पर वक्त का कुछ नहीं पता। पहले नहा लें फिर मिलते हैं आपको। और ये कुछ हालात है हमारी गैंग के, भाई साहब लोग भी नहीं डर के मारे। हाँ जी हाँ जी, नीचे हो जाओ नीचे हो जाओ, कच्चा नहीं जाएगा तुम्हारा, कच्चा रहेगा। सही है, और इतनी दूर आए हैं यार। बालों पे इतनी चढ़ गया सिंदूर नहीं। ओ बाजी बन रही है बाजी, पूरी बात चीज ने ना ये बना दिया, बड़ा जबरदस्त लग रहा है, यूनिक सा, और कोई ज्यादा महंगा भी नहीं है। वैसे तो 50 रुपए में ही बना दिया है दोनों के लिए,
और अब चल रहे हैं सीधा दूध जलेबी की तरफ, देखते हैं क्या माहौल बना हुआ है वहाँ पे, क्योंकि मेरे ख्याल से भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। भाई सुखाने का तो कोई सिस्टम और था नहीं, तो इसको तो ऐसे ले लिया, और बाकी कच्चे पालियाँ पाने लिफाफे में, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत यही रह जाती है। वैसे यार लेडीज़ों के लिए इतना कुछ बना दिया, पर अभी भी मतलब बनी नहीं है बात, और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि रश ही बहुत है यार यहाँ पे ना, इसीलिए हम निकल के चल रहे हैं सीधा मार्केट में, और वहाँ देखते हैं दूध जलेबी। और जी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लग चुका है, भूख लगी है तो पराठे शराठे तैयार हैं, मज़ेदार एकदम। पर हमें पराठा नहीं खाना है, भाई ने पीपी लगा रखी है पूरी, पर हमें पराठा वराठा तो खाना नहीं है, अपने को चाहिए दूध जलेबी, कुल्लड़ वाला दूध। आज ढूंढेंगे दबा के, खींच देंगे मीटर, इन गलियों में मिलेगा मज़ा। पिछली बार भी हम यहीं पी के गए थे, मैं और भाई आए थे, वाह जी वाह, ये रहा दूध, ये रहा, ये रहा दूध यहाँ से और जलेबी यहाँ से, वाह जी वाह। तब जलेबी भी फिर यहीं से ले लेंगे, दूध यहाँ से ले रहे हैं जब, दूध जलेबी नहीं, दूध कितने का है? 50 रुपये 250 ग्राम, 250 ग्राम तो ना रह जाएगी, कमी देनी पड़ेगी, गर्म से निकाल दो 20 मिनट के बाद, 20 मिनट में बैठ जाएंगे, चलो दूध ही पिला दो जरा। अंकल जी मूड में नहीं है बिल्कुल, दूध तो मज़ेदार है भाई। भाई साहब अंकल जी ने दिली दुखी कर दिया, पीने की इच्छा ही खत्म हो गई है, कि ये बाल्टी भर रही है, अंकल जी लगे हुए हैं, ये देखो वही पेल दिया गुलाब जामुन में यार। अंकल जी दूध भी तो ऐसा नहीं है, चलो अब तो पी लिया है, पर यार सही नहीं है ये मामला भाई साहब, और तो मामला सारा सही था यार, पर अंकल जी ने दिल ही दुखी कर दिया। मैं तो यार उसमें से बाल्टी में से यार धुने, उसी में हाथ धो ही जा रहे हैं और उसी से ही बर्तन भी साफ कर रहे हैं, और गुलाब जामुन में फेल दिया पानी यार रख के, तो यार मन ही बड़ा ख़राब हो गया, अब कुछ खाएंगे नहीं, यहाँ पे बाहर निकलते हैं कहीं और जाके देखते हैं। वैसे यहाँ पे अब तो कुल्लड़ों का ट्रेंड चल गया है, बड़ी भीड़ मिलेगी आपको, इतने बड़े रेस्टोरेंटों में भीड़ नहीं मिलनी है, अंकल जी बेल ही बैठे हैं, जितनी चाय वाले के पास भीड़, ऐसे किससे बड़े हो जाते हैं, पंडित को पंडित कर जाता है ना, बड़े जलील करते हैं एक दूसरे को, उन्हें उससे ज़्यादा मांग लिए होंगे ना, ज़्यादा मांग लिए होंगे ना पंडित जी ने, तभी वो बता रहा मैं खुद पंडित हूँ यार, अभी तो दिए 101 रुपये। तो जी जल अप्पा ने ले लिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहीं पे विसर्जन होता है जी, वो जो घाट थी ना हर की पौड़ी, जहाँ पे आरती होती है बेसिकली वहाँ पे करते हैं, आप कहीं भी कर सकते हो वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है, मुक्ति यहीं मिलती है, चिंता ना करो, मैं आपको यहाँ पर्सनली छोड़ के जाऊँगा, मुझे बता जाना बस, ठीक है कब जा रहे हो। और हर बार की तरह ना यार इस बार भी हमारा फिर से कट गया, मैंने सोचा धर्मेंद्र लाएगा भाई अपने साथ जो चार्जर कैमरे का अपने, और ना वो लाया ना मैं लाया, और कुल मिला के पंचर हो चुके हैं दोनों, तो इसीलिए अब तो बस यही कोशिश हो रही है, जितना शूट होगा मोटो व्लॉग तो होगा नहीं अब, जिसकी बड़ी उम्मीद भी थी और इच्छा भी थी कि भी हाँ वो सही रहेगा, पर अब वो होगा भी नहीं, तो इसीलिए अब तो फ़ोन से काम चलाना पड़ेगा, तो जितना शूट होगा इसी से होगा, आज आईफोन के पैसे पूरे हो जाएंगे लग रहा है, अगर सही शूट कर गया तो, बाकी देखते हैं। और भाई साहब पार्किंग वाले कमाल हैं, 42 रुपये की पर्ची काटी है भाई साहब बाइक की। हेलो भाई साहब, ये है बदायूं टी स्टाइल, और यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिए हैं, क्या ऑर्डर करा है सर? कौन से? अरे तेरे की बड़ी कमज़ोरी याद आ से तुम्हारी,
आलू प्याज के, और अंदर नहीं खाने हैं भाई साहब, अंदर माहौल बड़ा गर्म गर्म सा है। अपन खाएंगे यहाँ पे अपने आसन पर। इन भाई साहब ने हमें समझाया कि बाहर नहीं खाने हैं, अंदर खाओ फ़ायदे में रहोगे। अब देखते हैं भाई क्या फ़ायदा कराता है। और स्ट्रक्चर बड़ा पुराना है, बड़े सालों पुरानी लग रही है बिल्डिंग भी भाई साहब, क्योंकि ऊपर ईंटों की छत है और कव वाले। हाँ इस पे लटका दो ताकि ये टूट जाए। अच्छा हमारा तो कुछ नहीं जाएगा बेचारे की, इसकी टूट जाएगी ना। दोबारा कर लेंगे छोटू। फायदा फायदा क्या इसमें, फायदा तो बता दे तू, बाहर कह रहा था फायदा है। ओहो अच्छा ठीक, सब्जी ना है। अच्छा जी 40 का परोठा दिया, कुछ तो देते हैं भाई साहब। खाना खा लिया पर यार 40 में सब चटनी के साथ परोठे दे दिए, पहली बार देखा यार बच्चों ने, ना तो अचार और ना कि कोई सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं दिया। और एक और बार हमारा फिर से कट गया, होटल का रास्ता भूल गया। अब देखते हैं गूगल मैप लगा के जाते हैं कितनी देर में मिलेगा। दिस इज़ द होटल, और बड़े धक्के खाने के बाद नहीं खाने के बाद पहुंच गया यार। दरवाज़ा अंदर की ओर खुलेगा, रिसेप्शन पूरा खाली चमकदार, क्योंकि कोई उठा ही नहीं अभी तक लग रहा है।